हरियाणा में बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। सोहना विधानसभा से कांग्रेसी नेता व समाज सेवी प्रदीप खटाना ने सोहना कार्यालय पर हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता चौधरी आफताब अहमद पहुंचे। उनके यहां आने पर प्रदीप खटाना ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अगले वर्ष से होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि अभी 5 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली है, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है और हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। पिछले विधानसभा, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, सभी प्रदेशों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की राजनीति, जुमलेबाजी की राजनीति और एक जो ठगा था जनता को, उसका जवाब दिया है। और हम ये मानते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना विश्वास लोगों में बढ़ा रही है और अपनी जो बातें और जो उन्होंने नारा दिया किसान का, जवान का, बेरोजगारी का, उसमें लोग उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने अपने किए हुए वादों को, 10 दिन का वादा किया था, 3 दिन के अंदर अंदर सभी राज्यों में पूरा कर दिया, तो लोगों में विश्वास बढ़ा। और हम ये मानते हैं अब कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के नेतृत्व में एक पुनः विश्वास हिंदुस्तान की आवाम जगह करेगी और निसंदेह हरियाणा में कांग्रेसियों के मनोबल और कांग्रेस की, क्योंकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने जिस तरीके से लोगों को झूठे वादे किए थे, लोक लुभावने नारे दिए थे और जो जन सुविधाएं चल रही थी कांग्रेस राज की, उनको जिस तरीके से उनको चोट पहुंचाई, उनको रोका है, अब जनता जो है उसका जवाब देने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में इसका जवाब देगी। सर, अभी हरियाणा के जो 5 जिलों में नगर निगम के चुनाव आए, उसमें भाजपा को एक नई संजीवनी मिली है, कहने की आने वाला पक्ष भी हमारा होगा। नहीं, उसमें जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में जो जातियों का नारा दे के जिस तरीके से उन्होंने किया गया है और जिस तरीके से सत्ता में होने का उन्होंने भरपूर मंत्रियों के जिस तरीके से तथाकथित बयान थे कि चाहे धन की ज़रूरत हो, सुरक्षा की, चाहे धन बल की, उसका मुहैया करा दें, आप समझ सकते हो किस तरीके से अनैतिक तरीकों से इन्होंने ये चुनाव जीते हैं। मेयर बेशक जीते हैं लेकिन नगर निगमों में जो पार्षद हैं वो भी कम है, तो ये जनता को जो है एक इस तरीके की जीत को अगर वो मानती है बीजेपी, तो बीजेपी भ्रम में है। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बंपर सरकार बनेगी कांग्रेस की। बिल्कुल 100% कांग्रेस की, लोगों की जो मनोकामना के अनुसार सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार।